सुपौल से खबर है, आपको बता दें सुपौल के 1000 छात्राओं को गोल्ड लेकर पढ़ाने का कार्यक्रम 22 जनवरी को गांधी मैदान में किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें श्री बिहार के कोसीका इलाका कई क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। हर बार आती बाढ़ ने इस इलाके को ऐसा बदहाल किया या आते विकास की गति रुक सी गई। प्रतिभा के धनी होते हैं वह अभी 10वीं तक पढ़ने के बाद यहाँ के छात्राओं का सपना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण धूमिल नजर आने लगता है। बच्चे अपना भविष्य बनाने में समर्थ हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रोज इन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा पर सबका अधिकार कार्यक्रम 22 जनवरी 2023 को दोपहर 12 बजे गांधी मैदान सुपौल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार इस क्षेत्र के विकास और चिंता की बात शिक्षा की चिंता लेकर बिहार के कई गणमान्य एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। आयुक्त जानकारी रोज माइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आवेश अंबर और हाजी एहसान उल हक साहब ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको उन्हीं के जवानी। 22 तारीख को होने जा रहा है, इसमें छात्र और अभिभावकों से हम लोग अपील करते हैं कि देश के कई कोने से आईटी और अहमदाबाद जैसे संस्थानों से शिक्षाविद यहाँ जमा हो रहे हैं और वो आपके लिए यहाँ आ रहे हैं, और ये गोद लेने का कार्यक्रम जो है 1000 बच्चों का, इसमें उन सारे मैनेजमेंट टेक्निकल और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस को दावत देके बुलाया गया है उन राज्यों से। वो दरभंगा एयरपोर्ट से डायरेक्ट इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। 5200 से 5800 बच्चों का अब तक कूपन जनरेट किया गया है जो इस संस्था के लिए कंफर्म हुए आने के लिए। मैं सभी जिला के उन छात्र अभिभावकों से अपील करता हूँ कि आप इसमें शामिल हों। अपना तारुफ, मेरा नाम अभय संबर है, मैं रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन। अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज़ 24।